मेरा स्टैंड बहुत सा है और इसमें कुछ तुष्टिकरण से लेना देना नहीं, भाई हमारी पार्टी की सोच थी। तो मैंने कहा ना कि देखिए लोकतंत्र हर एक पार्टी स्वतंत्र है, एक सोच रखती है और उस सोच के अनुरूप अपना व्यवहार करता है, और जब कोई मुद्दा कानून बनने के लिए आता है अपना संसद में तो अपना पक्ष रखता है। तो जनता दल यू ने अपना पक्ष रखा, पक्ष रखने के बावजूद भी वो कानून बन गया। आज अब धारा 370 नहीं है, हट चुका है। आप जान रहे हैं कि जो कश्मीर राज्य था उसका में भी गोवा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तब तो देश का कानून है, हमने अपनी बात रख दी। अब कोई कानून बन गया तो बन गया। अब फिर देखिए आप उसको समझे, मैंने क्या कहा, धारा 370 हट गया, धारा 370 पर हमारा एक पार्टी का स्टैंड है, उन्होंने जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा के फ्लोर पर रख दिया। लेकिन उसके बाद आप जरा इस बात को समझिए, लोकतंत्र में क्या हुआ, लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय, और बहुमत से अगर कोई निर्णय हुआ और उसके बाद कोई कानून बनता है उसमें आप क्या करेंगे। लोकतंत्र में अगर कोई कानून बने उसके बाद ही विरोध करते हैं तो लोकतंत्र का ये कि नहीं। सर, आपकी पार्टी का वर्कआउट सियासत पर बड़ा सवाल उठा है कि वर्कआउट कर जो सवाल उठा रहे हैं उनका अपना एजेंडा है, हमारे पार्टी का कोई अलग से एजेंडा नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट था और शुरू से हम लोग करता है। क्या मतलब बहिष्कार क्यों किया चाहते तो आप? अरे आपके चाहने से हमने कहा अपनी बात रख दिया ना जी, आपने हमने अपनी बात रख दिया, फिर हमने अपना कह दिया कि भाई इसके साथ हम नहीं, हम बात क्योंकि लोग समझते हैं। लोकतंत्र में तीनों ऑप्शन है, आप किसी भी जो मिला आता है उसके पक्ष में मतदान करिए, उसके खिलाफ मतदान करिए, उसके बाद तीनों। तो बीजेपी बार बार जो कह रही है कि जम्मू और कश्मीर का जो फैक्ट है उस पर चलिए ना आज की तारीख, आज जो 7 तारीख को हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो 7 तारीख को 370 है, और आप जान लीजिए कि जब 370 नहीं और वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो आगे देखना है ना है वहाँ जो काम होगा पहले से बेहतर है उसके बराबर है या उससे खराब है, जब भी आप कैसे करेंगे तो आगे आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से बिल लाया गया आपको लगता है कि ये सही था क्योंकि आप सहयोगी पार्टी थे तो आपको विश्वास में पहले से? देखिए ऐसा है ना कि कोई भी सरकार होती बिल लाना उनका अपना प्रेरणा होती है, उसको आप बिल्डिंग बनाए, बहुत सारे बिल हैं कि बिल अगर इस देश के बिल लाने के जाइएगा ना तो बहुत सारे तो उसी समय आता है, इसलिए उस पर आप मत जाइए कि ये लाया गया समय पर नहीं लाया गया, उस पर कोई वैसा कोई बात नहीं। आप एक स्ट्रॉन्ग सहयोगी पार्टी थे, उनको पता कहने हैं, उनको पता था कि 370 पर आपका विरोध है, आपको पहले से विश्वास में विश्वास में लिए हैं ना, हमको बताए, हम भी उनको बात बताए, जान लीजिए इस बात को जरा आप लोग समझ लीजिए, हम लोग अलायंस में हैं तो जो भी बात होता है हमको बताते और हमारा जो स्टैंड है उसको हम बताते, ऐसा नहीं है कि गुपचुप तरीके से जो बातें आती हैं हम भी बताते हैं, वो भी बताते हैं। सदन में रखने से पहले आप लोगों से बिल्कुल पता नहीं, पता हम जानते हैं ना, वो वोट मांगते हैं ना हमसे।